ये बताइए आपकी बिटिया कहाँ से लापता हो गई थी? ये फतेहपुर से। कहाँ गई थी? ये कॉलेज के लिए निकली थी। 11 बजे निकली थी। हम मार्केट चले गए थे, हमारा लड़का है इससे छोटा 1 साल का, 18 साल का, वो लेके इसको कोठी है जल्लू लल्लू मियाँ की कोठी है वहाँ पर छोड़ा इसने, इसकी फ्रेंड रहती, कहने लगे हम उसी के साथ चले जाएंगे। और बस 11 बजे से 12 बजे उसकी कॉल आई हमारे पास कि लड़की आपकी नहीं पहुँची और हम अकेले जाएँ क्या? हमने कहा नहीं, हम जा रहे हैं। फिर हम स्कूल गए, स्कूल में पता चला एंट्री करने के लिए सिग्नेचर होता है, वहाँ पर कुछ नहीं पता चला कि गई आई नहीं है बच्ची तो सिग्नेचर कौन करेगा। बस जब से ढूंढ रहे हैं 3 बजे करीब बांदा। कैसे सूचना लगी आपको? हैं, सूचना कैसे मिली कि बांदा में? सारे मतलब हम लोग के घर में रोना पीटना मचा था, कोई कुछ सोच ही, तमाम ख्याल आ रहे थे दिल में कि हुआ क्या है। 3 बजे करीब हमारे पास कॉल आई कि बांदा की स्टेशन में ये लड़की है और क्या कहते घबराई हुई है। तो हमने कहा अच्छा दे, तो इससे कॉल करवाया उन्होंने, तो इसने कॉल करी हमें और नंबर इसको रटा हुआ, इसने हमारा नंबर, पुराना नंबर, उसने नंबर बताया, तो उन्होंने हमारे पास कॉल करी तो हमसे पूछा, तो हमने बताया हाँ ये हमारी लड़की है, उसको बैठाए रही है, हमारी रिश्तेदार है, हम भेज रहे हैं, बस इतना ही बता पाई, अम्मी हमें बचा लो। कौन लोग थे ये? हमने नंबर दे दिया है पुलिस वालों को जिसकी कॉल आई थी हमारे पास कि आप उनसे कन्फर्म, कौन लोग थे हमने उनको देखा नहीं क्योंकि फतेहपुर से अभी हम जस्ट यहीं डायरेक्ट आए। ठीक, क्या नाम है आपका? जरीना खातून।